हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक विद द अनदर ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरे मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, जिसमें हम लोगों ने एमबी के बर्थडे भी सेलिब्रेट की हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मैं आपको बाहर का वेदर दिखा दे देती हूँ। काफ़ी अच्छा वेदर है, एकदम मॉर्निंग का इतना अच्छा लग रहा है। और मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी, उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाना है, तो उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट लंच ये सब प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैं चाय चढ़ा देती हूँ, चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं लंच का जो प्रिपरेशन था मैं रात को ही करके रख दी थी, बना के रख दी थी, जस्ट मैं इसको भी पैक कर दूँगी। तो उसके लिए मैं उनका लंच बॉक्स निकाल रही हूँ। अब मीनवाइल ये थोड़े थोड़े बर्तन जो डिशवाशर से निकलते रहते हैं मैं उनको भी ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, इस तरह से काम थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है। तो चाय बनाने के लिए मैं यहाँ पे जिंजर और इलायची को कूट लेती हूँ और उसको चाय में डाल देती हूँ, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है चाय में। तो मैं यहाँ लंच पैक कर रही हूँ, स्नैक्स दी हूँ, थोड़े से भुने हुए चने मखाना है और उसके साथ ही बिरयानी बनाई हूँ और चिकन बिरयानी है एक डाल के मैं उसमें दे दी हूँ और एक दो फ्रूट दे दी हूँ। तो ये उनका लंच हो गया है। उनको ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ योगर्ट एंड फ्रूट, उसके साथ ही ग्रेनोला दे रही हूँ, ये उनको बहुत ही अच्छा पसंद आता है और इसमें काफ़ी प्रोटीन है, फाइबर है और हेल्दी भी है। और मेरा चाय बन गया है, तो चाय को भी मैं फ़िल्टर करके कॉफ़ी मग में डाल के इसका इनका सब कुछ मैं रेडी कर देती हूँ। तो अभी चलते हैं, मैं अपने हस्बैंड को ड्रॉप करके आ गई थी बस स्टैंड पे और मैं वापस से घर आ गई। घर आने के बाद बहुत सारे काम थे, तो यहाँ पे मेरे कुछ कंटेनर थे, इन सब में मुझे वापस से रिफ़िल करना था। चाय पत्ती था, चीनी था और बाकी के बहुत सारे ड्राई फ्रूट ये सब थे, तो उन सबको मैं एक एक करके मैं सबको रिफ़िल कर देती हूँ और ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और उनके इनके जगह पे रख देती हूँ। तो ये नट्स में मैं लेके आई थी, एप्रिकॉट्स था, फिर मेरे पास जो ग्रेनोला था मैं उसको कर दी हूँ, फिर ये पिस्ताचू था, इन सबको नट्स बॉक्स ये सब करके मैं रख दी हूँ सारे बॉक्सेस में कंटेनर में। अब इनको मैं यहाँ पे एक जगह पे रख देती हूँ, जो शाम के जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली हूँ, वो ट्रे के मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मोस्टली यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती हो गया और उसके साथ ही थोड़े से नट्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले एप्रिकॉट रखी थी, फिर लगा शाम के नाम में थोड़ा सा पिस्ता सॉल्टी अच्छा रहता है तो मैं पिस्ताची रख दी हूँ। और ये हो गया यहाँ पे मेरा शाम का स्नैक्स बार, और बाकी के जो भी कंटेनर थे मैंने पैंट्री में अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा पेंट्री अभी पहले से काफ़ी ऑर्गेनाइज है, अब मैं इसमें बिल्कुल भी मैसी नहीं करती हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर की थी कि जो भी मैं पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन था, काउंटर टॉप था, इन सब को अगर आप थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते रहो तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने अपने सारे प्लेट्स को इस तरफ रख दी हूँ, शाम के स्नैक्स लेने के लिए अच्छा है। और अभी दिन में कभी भी कुछ निकले तो मैंने पूरे वीक में अपने किचन की काफ़ी क्लीनिंग की हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा किचन बहुत ही नाइस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज है अभी। और अभी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि किचन मेरा गंदा है। और एमबी का बर्थडे था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ लगा दी हूँ टेबल पे, थोड़ा सा मुझे बैलून ये सब लगाने हैं, तो ये सब काम अभी बचा हुआ है, तो चलिए ये सब भी करते हैं साथ में धीरे धीरे करके। हाय एवरीवन, तो आज है एमबी का बर्थडे और मुझे बनाना है रात के लिए कुछ डिनर, और तो मैं उसमें कुछ अच्छा सा बना रही हूँ और ऐसे उसका सेलिब्रेशन कर रही हूँ उसके फ्रेंड लोग के साथ, तो वो करेंगे हम लोग संडे को। बट आज छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन करना है, उसका एक्चुअल बर्थडे आज है, तो वही मैं उसके लिए थोड़ा कुछ बना रही हूँ और थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करने वाली हूँ, उतना नहीं करूँगी, बाकी का होगा मेरा उस दिन होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ रख दी हूँ कि शाम को एटलीस्ट केक कट कर देंगे। और बाकी का पूरा घर ये सब मैं क्लीन कर दी हूँ, सब जगह क्लीन है, जस्ट मुझे रात के लिए प्रिपरेशन करना है। मैं सोच रही
रही हूँ केक बनाने का, तो केक बनाऊँ या फिर ख़रीद के लाऊँ, देखते हैं टाइम मिलता है तो केक बनाते, नहीं तो फिर ख़रीद के लाएंगे। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं बर्थडे का प्रिपरेशन। तो केक बनाने के लिए मुझे चाहिए चॉकलेट पाउडर, तो चॉकलेट पाउडर ले लेते हैं, और चाहिए मुझे मैदा, तो मैं यहाँ पे चॉकलेट केक बना रही हूँ। मैं हर साल अम्बी के लिए चॉकलेट केक ज़रूर बनाती हूँ, और हर साल मैं छोटा सा ही बनाती हूँ लेकिन बनाती ज़रूर हूँ, तो इस बार भी मैं उसके लिए बनाई हूँ। ऐसे तो इसका बर्थडे सेलिब्रेशन संडे को हो रहा है इसके फ्रेंड लोग के साथ, बट मैं घर में इसका जो एक्चुअल बर्थडे था तो मैं उस दिन मई 16 को था, तो मैं हम लोग सोचे घर में कर लेते हैं। मैंने सोचा पहले ख़रीद के ले आते केक, फिर मैं सोची कि घर में बना लेते हैं, और हर साल मैं बनाती हूँ अच्छा बनता है, तो मैं घर में ही बना ली हूँ। और सिंपल सा है, मैं उतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, बस मैं सिंपल सा जैसा भी आता है वैसा केक मैं बना दी हूँ अम्बी के लिए, और अच्छा केक बना था, बहुत ही सॉफ्ट था और सिंपल सा केक था, तो अच्छा केक बना था। और उसके बाद मैं रात का डिनर भी बना रही हूँ, तो डिनर बनाने के लिए मैं यहाँ पे पनीर पराठा बना रही हूँ, और बना रही हूँ मटर पनीर की फ्राई वाली सब्ज़ी, उसके साथ खीर बना रही हूँ। और आम्बी को थोड़ा मैक एंड चीज़ बाइट पसंद है और उसको पोटैटो फ्राइज पसंद है, तो मैं उस तो यहाँ पे मेरा खीर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये मसाला फ्राई हो गया, जस्ट पनीर डालना है और पनीर के पराठे बनाऊँगी मैं। और यहाँ मेरा केक भी बेक हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, जस्ट ठंडा हो जाए तो इसको आइसिंग करूँगी। और आम्बी के लिए मैं यहाँ पे मैक एंड चीज़ और फ्राइज डाली हूँ, तो ये हो जाएगा आज का डिनर। तो अभी मैं यहाँ पे पनीर पराठा भी बना रही हूँ, देखिए कितना अच्छा ये फूला हुआ बना हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल भी ये नहीं फटता। अगर आप इसको चॉपर में बहुत ही फाइन ग्रेट कर लो तो ये बिल्कुल नहीं फटता, और बहुत ही टेस्टी बना था। और अम्बी को पसंद है पनीर पराठा, तो मैं उसके लिए बनाई हूँ सारा उसके पसंद का। तो यहाँ पे मेरे सारे पराठे बन गए हैं, ज़्यादा नहीं 7-8 बनाई थी तो जल्दी जल्दी से बन गया है। और अभी तो खाना बन गया, पनीर पराठा बना ली हूँ, ये हो गया सब्जी, ये हो गया खीर, मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ बस, ये हो गया केक, केक को मैं बस इसमें इसको अच्छा से ये करूँगी, आइसिंग करूँगी, और ये हो गया अम्बी के लिए पोटैटो फ्राइज एंड मैक एंड चीज बाइट। तो ये हो गया आज का डिनर।
अब ये है वो वाला मोमेंट जहाँ पे हम लोग सब कोई रेडी होते हैं हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए, जिसके भी बर्थडे होते हैं। तो यहाँ पे अभी केक कटिंग होगा, तो चलिए अम्बी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं साथ में और गाते हैं उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपकी ब्लेसिंग और आपके लॉट्स ऑफ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अम्बी को आप अपना ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और हाँ एक और बात फ्रेंड, आने वाले ब्लॉग में अम्बी का एक और बर्थडे ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम लोग उसके बहुत सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किए हैं। तो वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। ये छोटा मोटा बर्थडे उसका एक्चुअल बर्थडे था, तो हम लोगों ने सेलिब्रेट कर दिया। उसके लिए छोटे मोटे मैंने गिफ्ट कुछ लिए थे। एक बैकपैक है उसको, स्क्वेश मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है इन, तो मैं हम लोग वही उसको ला के दिए थे। तो ये था इसका छोटा सा गिफ्ट। और वीडियो में बने रहिएगा, आने वाले वीडियो में अम्बी को आपके बहुत सारे प्यार एंड ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।